तो आज हम मिस्टर प्रशांत के साथ है ऑफ कार्निवल पेट फूड्स, वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे कि प्रोडक्ट रेंज, टाइप्स एक्सेट्रा। गुड मॉर्निंग सर, बोलिए। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम प्रशांत है और मैं ग्लोबल फीड्स प्राइवेट लिमिटेड में काम कर रहा हूँ। तो रिसेंटली ये कंपनी देखा जाए तो लास्ट 30 ईयर्स बेस्ड कंपनी है, जिसका मेन सोर्स हम लोग एक्वाकल्चर बेस्ड कंपनी है। तो 1994 में ये कंपनी, तो ग्रोवेल मैंने ग्रोवेल ग्रुप का है कार्निवल, ये ग्रोवेल ग्रुप। अच्छा है, अच्छा। ग्रोवेल ग्रुप में नॉर्मली हम लोग काम कर रहे थे, एक्वाकल्चर बेस में काम कर रहे थे लास्ट 30 ईयर्स। अच्छा, एक्वाकल्चर कौन से एरिया, मैंने मरेल फीड या फिश फीड, एक्वा फीड सप्लीमेंट्स, अच्छा, कैटल फीड सप्लीमेंट, कैटल फीड सप्लीमेंट, मैंने कमर्शियल एनिमल्स का। तो देन उसके बाद सोचा कि यार स्मॉल एनिमल्स के लिए कुछ नहीं किया था, पेट्स एंड कैट्स एंड डॉग्स के लिए कुछ नहीं किया था। तो हमने एक लास्ट वन ईयर बैक हमने 2023 में हमने दो ब्रांड्स हमारी लॉन्च किए, जिसका नाम था डैडवुड बिस्किट्स आते हैं, एंड एक कूलर ब्रांड्स हमने लॉन्च किया, वो हमने एक साल तक लॉन्च किया, अभी वो कंटिन्यू मार्केट्स में हम लोग चला रहे हैं। देन उसके बाद हमने पेट फूड इंडस्ट्री में हमने पेट फूड ड्राई फूड में हमने लॉन्च कर रहे हैं। तो उसमें अंदर जैसे देखा जाए तो हमने कैट और डॉग्स दोनों के लिए हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है। तो बेसिकली देखा जाए तो कैट्स के लिए, डॉग्स के लिए हम लोग ने ये चिकन बेस, रियल चिकन बेस हमने प्रोडक्ट ये किया है, जिसके अंदर फ्रेश चिकन से हम लोग क्रील का फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, एंटाडिक क्रील फिश जो है वो फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, जो ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स इसके अंदर है, जिसके कारण डॉग्स के थोड़ा प्रोडक्ट ओके जिसके कारण डॉग्स के हेल्थ एक बैलेंस न्यूट्रिशन फिर डॉग को मिल जाता है। क्रील की वजह से ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड होने के कारण। और ये कौन सा ग्रुप, मैंने इकोनॉमी, मिड रेंज या हाई एंड? ये जो ग्रुप्स, ये जो हम लोग कैटेगरी हमने लॉन्च की, ये जो मिड कैटेगरी है, बट इसका जो क्वालिटी जो है ना, प्रीमियम ब्रांड्स के लिए क्वालिटी दी है। अच्छा, मैंने आप मिड कैटेगरी में थोड़ा प्रीमियम ब्रांड्स को टक्कर देना चाहते हैं। जैसे देखा जाए तो आज के डेट में कई सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो हाई वैल्यू के प्रोडक्ट्स है, जैसे 3000-4000 एमआरपी की ब्रांड्स मार्केट्स में अवेलेबल। राइट, बट हम लोग वो क्वालिटी जो क्वालिटी वो दे रही है, जो इम्पोर्ट होकर प्रोडक्ट आते हैं, वो क्वालिटी हम लोग इंडियन मार्केट्स में दे रहे हैं। और इंडिया मेड इन इंडिया है, नो बीफ नो को कही। तो बेसिकली ये अराउंड 400-500 के रेट्स में आते हैं। तो देन ये चिकन फार्मूला है। देन सेकेंड फार्मूला ने वेज फार्मूला निकाला है, वेज सुपर फूड फार्मूला। वेज में प्रोटीन सोर्स क्या रहता है? वेज में प्रोटीन सोर्स यहाँ पे एल्गन ऑयल है। एल्गन ऑयल वो एक प्रोटीन सोर्स। अच्छा, किधर से रहता है ओरिजिन इसका? ओरिजिन एल्गन ऑयल का बेसिकली वो समर के नीचे रहता है। अच्छा, अराउंड 700-800 मीटर्स नीचे जाना पड़ता है। ओके, वो नॉर्मली वो सोर्स निकालने के लिए काफी सारे एक्सपेंसिव, बट हम लोग वो एक्सपेंस हम लोग अफोर्डेबल रेट में दे रहे हैं। ओके। और ये डाइजेशन के हिसाब से, क्योंकि ये कैसा है, नॉन कन्वेंशनल प्रोटीन सोर्स है, तो डाइजेशन के हिसाब से डॉग के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है? मैंने वेट टेस्टेड नहीं, नहीं सर, उतना तो प्रॉब्लम्स नहीं है। बराबर है, राइट, करेक्ट। नहीं, बोलिए। नहीं, तो नहीं है, प्रॉब्लम तो नहीं, मैंने एज अ कस्टमर यूर। ओके। और ये जो वेगन ग्रुप से, जो लोग वेगन है, वेजिटेरियन लोग, हाँ, जो कुत्ते पालते हैं, उनको कभी कभी एक रेजिस्टेंस लगता है कि नॉनवेज प्रोडक्ट नहीं लेना है, तो दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन, करेक्ट और नॉट? यस सर। एनी कंपनी हैज लॉन्च स्टार्टर पपी एंड एडल्ट रेंज इन वेज कैटेगरी, राइट? करंटली देयर इज नो कंपनी ऑफरिंग स्टार्टर पपी एंड एडल्ट रेंज इन वेज कैटेगरी। ओके, दिस इज द फर्स्ट कंपनी कार्निवल ब्रांड जो भी है। व्हाट अबाउट पेडिग्री हैविंग सम? ऑल अदर ब्रांड्स ओनली हैव वन कैटेगरी, एडल्ट पपी ओनली वन कैटेगरी। ओके, इज द ओनली कंपनी व्हिच इज ऑफरिंग स्टार्टर पपी एंड एडल्ट, स्टार्टर पपी एंड एडल्ट इन वेज कैटेगरी एंड इन लार्ज ब्रीड एंड स्मॉल ब्रीड, राइट? सो दिस इज डिफरेंशिएशन विद इन वेजिटेरियन फूड इट्स, सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जिसके अंदर ओशियन फिश एंड क्रिल, ओशियन फिश एंड क्रिल, आज के डेट में कॉम्पिटिटर जो भी है उनके पास ये फॉर्मूला नहीं है, वो फॉर्मूला हमने लिखा है। क्रिल भी उसमें भी यही सेम है, जो एंटार्क्टिका में पाया जाता है, और हमारा हमारे हमारे सोर्स के हिसाब से, जैसे एक्वाकल्चर बेस्ड कंपनी है हमारा, तो उस सोर्स के तो सोर्सेज आपके पास है आराम से, तो वो इसके लिए वो इंपोर्ट करके हम लोग यहाँ पे ये रो मटेरियल्स यहाँ पे लेके आते हैं, देन यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बनता है। देन
और फिश और जो दूसरे जो प्रोडक्ट्स रहते हैं बाइंडर्स या जो भी है विदाउट गोइंग टू डिटेल, पर जो प्रोटीन मेन प्रोटीन सोर्स कौन से फिश से आता है इसमें? इसमें क्रिल है, क्रिल मेन प्रोटीन सोर्स क्रिल है। ओके, तो क्रिल इज वेरी हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्स। क्रिल अगर देखा जाए तो इसका फिश ऑयल जो पर लीटर उसका 9 to 10,000 पर लीटर होता है। 9 to 10,000 पर लीटर होने के बाद भी हम लोग ने ये जो प्राइस फैक्टर रखा है मिड रेंज कैटेगरी में, क्योंकि थोड़ा मेरा बैकग्राउंड जो एक्वाकल्चर में मुझे ऑर्नामेंटल फिश में, तो क्रिल हम देते हैं ब्रीडिंग के लिए, फिश का ब्रीडिंग शुरू होने के लिए, तो इसलिए क्रिल का मैंने सरप्राइज हो गया कि कैट्स में भी ये ओशन फिश दे रहे, तो दैट्स अ क्वाइट अ डिफरेंट यूनिक कॉन्सेप्ट। सारे प्रोडक्ट में यस सर, यू वांट टू से समथिंग? इट्स अ हाई रेंज ऑफ ओमेगा 3 ओमेगा 6 ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 स्टिल फिश, इसके लिए हाई रेंज, राइट, दैट्स इट। बाकी ओवरऑल पैलेटेबिलिटी प्रोडक्ट का काफी अच्छा है सारे रेंज का। और आपके फैक्ट्रीज किधर महाराष्ट्र में बेस्ड है किधर? यहां पे हमारा फैक्ट्री हैदराबाद में, हैदराबाद में फैक्ट्री है, ऑफिस इज इन हैदराबाद, फैक्ट्री इज इन आंध्र प्रदेश, फैक्ट्री इज इन आंध्र प्रदेश मैंने प्रॉपर, सो तेलंगाना एंड आंध्रा टू स्टेट, गुड़ीवाड़ा। ओके, सो दोज हु वांट टू कांटेक्ट यू फॉर होलसेल डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स एक्सेट्रा दे शुड बी फील फ्री टू कांटेक्ट यू, लोकल पीपल है यहाँ पे। अच्छा, जैसे आज हम लोग पुणे में है तो पुणे के लोकल पीपल, राइट, पर आपका नंबर में डाल सकूंगा सपोज किसको इंटरेस्ट है, होलसेलर्स को या रिटेलर्स, किसको डाउट है, क्वेश्चन है, कस्टमर फीडबैक जो भी है, तो मैं आपका नंबर डाल दूंगा। आई एम गोइंग टू पुट अ कॉन्टैक्ट नंबर इन द डिटेल्स, सो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट सर। एंड कैट प्रोडक्ट्स लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग इवन फ्रॉम माय रेंज, सो वी लुक टू सी दैट यू नो देर आर न्यू कमर्स इन द कैट प्रोडक्ट लाइन। टेक केयर एंड बेस्ट लक, बेस्ट विशेस। थैंक यू।